चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही अब प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म भरने की तिथि खत्म होते जा रही है। ऐसे में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नामांकन फॉर्म दाखिल कर रहे हैं, लेकिन बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी ने अलग ही अंदाज में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ शुभ मुहूर्त पर नामांकन फॉर्म दाखिल किया है, जिसकी चर्चा चौहोर हो रही है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी गौरव सिंह पारधी अपने भाजपा के भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, वाराणसी भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, कड़ंगी भाजपा मंडल अध्यक्ष, तिरोड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष, भोरगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष और भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर नरेंद्र भैरम के अलावा जिले के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता और कटंगी विधानसभा क्षेत्र के समस्त भाजपा के वरिष्ठ और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बैलगाड़ी पर सवार होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और समस्त समर्थकों और भाजपाइयों की उपस्थिति में नामांकन फॉर्म भरा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता मुझे विधायक बनाती है तो कटंगी क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व भाजपा समर्थक मौजूद रहे। आज कटंगी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 113 में सभी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र से पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बड़ी संख्या में आज हमने अपना नामांकन बी फॉर्म सहित दाखिल किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।